बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ में पुलिस और धर्मेंद्र यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। स्ट्रांग रूम में अंदर जाने को लेकर बहस हुई है। तो कैंडिडेट को अंदर जाने से रोकने पर भड़के धर्मेंद्र यादव, स्ट्रांग रूम में ईवीएम बदलने का आरोप लगाया है। स्ट्रांग रूम में अंदर जाने से रोके जाने पर धर्मेंद्र यादव यहां पर भड़कते नजर आए और सवाल कर रहे थे कि क्या कैंडिडेट को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो इस दौरान उन्होंने मशीनों को बदलने का आरोप भी लगाया, घोटाले का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, लगातार एक तरफ मतगणना जारी है, दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है वो वहां पर मतगणना स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए। कैंडिडेट तो जा सकते हैं ना? ये जो रो बनी हुई है, ये रो बनी है सिर्फ अधिकारी को। नियम कप्तान को फोन, नियम का फोन, कैंडिडेट फोन अपने नियम कप्तान को, क्या व्यवस्था दी है? ये समाजवादी है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत में मिला रहना। बनाइए टीम, भाई कैंडिडेट है, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा क्या करो? क्यों नहीं जाएंगे? स्ट्रांग रूम कौन देखेगा? कैंडिडेट नहीं जाएगा तो स्ट्रांग रूम और डीएम से बात करना, कैस कौन बात करेगा? ये बताए ना कर्मचारी, नहीं आप जाऊंगा, नहीं आपके वकील साहब देखे वहाँ गए थे। कैंडिडेट नहीं जाएगा, कैंडिडेट नहीं जाएगा, दावत करते हो? किस गांव से आए हो तुम? पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, पांचवा चुनाव लड़ रहा हूँ। कैंडिडेट कहाँ जाएगा? कैंडिडेट स्ट्रांग रूम कैंडिडेट क्यों नहीं जाएगा? कैंडिडेट स्ट्रांग रूम क्यों नहीं जाएगा? किसी भी नहीं जाएगा। आप नियम बताइए मुझे, सुने आपके जो प्रत्याशी है कैंडिडेट यार, हम लोग कैंडिडेट बात कराओ डीएम साहब से ना, बात कराने के मूड मशीन बदलना चाहते हो? अंदर ये बताइए, हम अंदर मशीन बदलना चाहते हो? हम लोग नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन वहाँ? ये लोग बेईमानी कराने के मशीन बदलना चाहते हो अंदर से? हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम जाएंगे स्ट्रांग रूम। भाई स्ट्रांग रूम कैंडिडेट कैसे नहीं आ सकते? किसी से नहीं जाएगा? बेईमानी कराने के मूड में आपका कोई प्रतिनिधि नहीं है क्या? हम छोड़ जाएं काउंटिंग? हम काउंटिंग छोड़ चले हैं, जा रहे हैं आप जाएंगे? स्ट्रांग रूम जाएगा कि नहीं जाएगा? यस नो सर, मैं बात कर ले रहा हूँ। हम लोग कैंडिडेट हैं, हम लोग स्ट्रांग रूम जाएंगे। आपने डायरेक्शन करिए, वहाँ मशीनें बदली जा रही है, अंदर मशीनें बदल रही है, अंदर जा रही है, अंदर मशीनें बदल रही है। कैंडिडेट अंदर कैसे जा सकता है? चुनाव हराया जा रहा है, मशीन बदली जा रही है। अंदर स्ट्रांग रूम में क्यों नहीं जाएगा? आप क्यों नहीं पूछे? पहले राशन लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि केवल रोकने के लिए खड़े हो, सेल फोन भी जमा करवा दिए हम लोग, बात करें तो किसे करें? और ये बताइए, इनको समझाइए, इनको समझाइए, अंदर घोटाला करने के लिए रखे हो? कोई घोटाला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आजमगढ़ है, ये क्यों रोक रहे थे? पूछो से क्यों रोक रहे थे? क्यों स्ट्रांग रूम बदलने के लिए व्यवस्था? क्या मशीन बदलने के लिए व्यवस्था? मशीन बदलना चाहते हो? स्ट्रांग रूम बना किसके लिए? अधिकारी पहले चुन जा रहे हैं, कैंडिडेट को कैसे रोकोगे? ठीक है, क्या मशीन बदलना है? जब तक कहीं कुछ नहीं होगा, पहले नियम सीखो तब ड्यूटी करो। ठीक, नियम दीजिए, नियम पता, नियम सीखो पहले, हम यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। तो बिल्कुल अभी आप देख रहे हैं, तो अंदर जाने रोके जाने से नाराज